मजदूर भाई बहनों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलना तय है। आप शांति रखिए, अब मैदान छोटा पड़ गया है, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। भारत माता की ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। ना कोई सिंडिकेट टैक्स, अब कोई सिंडिकेट टैक्स को घुसने नहीं दिया जाएगा। ना कोई बिचौलिया, ना कोई अड़चन, सीधे बैंक खाते में पैसा जमा होगा। मेरी आपसे विनती है कि अब मैदान में जगह नहीं है, अपने ही लोगों को परेशानी हो रही है। आप ऐसा मत कीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये आपका उत्साह, ये उमंग, आज ये जगह कम पड़ गई, ये मैदान छोटा पड़ गया और इसके कारण आपको असुविधा हो रही है। मैं आज आप यहां आज मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे मतुआ महासंघ के इस विशेष समारोह में आने का अवसर मिला। आपने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, इसको मैं हमेशा हमेशा एक ईश्वर के प्रसाद के रूप में लूंगा। लेकिन मैं एक छोटी बात बता करके, मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए जाना है और इसलिए मेरी बात को यहां पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद, उस समय देश के टुकड़े कर करके देश को आजाद किया गया, और देश के टुकड़े किए तब जो लोग जहां थे उनको लगा कि चलो भाई जिंदगी वहां भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन सांप्रदायिक दुर्भावना से वहां पर लोगों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए और परिणाम स्वरूप लोगों को यहां वहां अपने अपने उन देशों को छोड़कर के आना पड़ा। किसी को अफगानिस्तान से आना पड़ा, किसी को पाकिस्तान से आना पड़ा, किसी को बांग्लादेश से आना पड़ा, कभी हिंदुओं को आना पड़ा, कभी सिखों को आना पड़ा, कभी जैनों को आना पड़ा, कभी पारसियों को आना पड़ा। समाज के ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के दीवार कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों का कोई गुनाह है क्या? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नागरिकता का कानून लाए हैं। मैं यहां के टीएमसी पार्टी को कहता हूं कि आप नागरिकता के कानून का समर्थन कीजिए, पार्लियामेंट में पारित होने दीजिए। ये मेरे भाइयों बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। देश के टुकड़े हुए, इनकी जिंदगी आपने तबाह की है। आप मेरे साथ बोले, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।